अगर आपके पास अपना ट्रक है और आप सुल्तानपुर जिले में रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी फर्जी चालान छुड़ाते छुड़ाते गुजर जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सुल्तानपुर जिले में हुआ एक वाकया खुद चीख चीख कर इस बात की तस्दीक कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिले में रहने वाले प्रदीप कुमार पर इस वक्त परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका ट्रक सुल्तानपुर के पयागीपुर में खड़ा था, बावजूद इसके कानपुर आरटीओ ने उनका ऑनलाइन चालान काट दिया और ये चालान भी 1 या 2 हजार का नहीं बल्कि पूरे 32 हजार का है, जिसके बाद से ट्रक मालिक की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कुरेभार थाना क्षेत्र के सिद्धि गणेशपुर में रहने वाले प्रदीप कुमार यादव के पास अपना एक ट्रक है जिसका नंबर UP44H4971 है। मंगलवार को ट्रक सुल्तानपुर में मैकेनिक की दुकान पर खड़ा था। इसी बीच दोपहर करीब 12:10 पर उनके मोबाइल पर कानपुर आरटीओ की ओर से मैसेज आया। मैसेज का मजमून पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज के हिसाब से कानपुर आरटीओ ने उनका 32 हजार का चालान काट दिया था। चालान के मैसेज लेकर ट्रक मालिक प्रदीप कुमार सीधे सुल्तानपुर आरटीओ दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने कानपुर आरटीओ से संपर्क करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल ट्रक मालिक प्रदीप कुमार को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन इस मामले पर आला अधिकारियों को संज्ञान लेकर जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये खबर हमारे संवाददाता अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।